वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट सेकेंड सेम। इन द सेकेंड सेम वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज कार्ड्स एंड व्हील्स। कार्ड्स एंड व्हील्स इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सी यहाँ पे कितने सारे व्हीकल्स दिए हुए हैं डिफरेंट पैटर्न्स के। साइकिल है, बस है, फिर ट्रैक्टर है, फिर यहाँ पे बैलगाड़ी जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे व्हीकल्स दिए हुए, यहाँ पे सर्कल में जो भी चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे दी हुई है, दिख रहा है। यहाँ पे रोटी चपाती बना रहे हैं, यहाँ पे वो रिंग खेलते हैं ना वो वाला है, तो जहाँ पे माटी के चीज़ें बनाते हैं पॉट वगैरह उसको ये व्हील पे ही बनाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कार्ड्स एंड व्हील्स। हे सी हाउ बिग दिस व्हील इज, आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस। ये बच्चा अपने मॉम को पूछता है कि मॉम देखो ये कितना बड़ा व्हील्स है, मैंने तो इतना बड़ा व्हील्स कभी नहीं देखा। कि आपने देखा है कभी आपके सराउंडिंग में इतना बड़ा व्हील? यू मस्ट हैव सीन मैनी सच अराउंड थिंग्स अराउंड यू, लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक। को आपके सराउंडिंग में जितने भी सर्कल चीज़ें राउंड वाली चीज़ें दिखती है उसके आपके उसको उसके नेम आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या होता है सर्कल में, टायर होते हैं, देन बॉल, बैंगल्स, रोटी, कॉइन, फिर बिस्किट्स होते हैं आपके, देन पॉट, देन बाउल, अगेन कप होते हैं सर्कल में, देन जो क्लॉक का डायल होता है आपकी वॉच का डायल वो होता है, देन ऑरेंजेस, वाटरमेलन, पिज्ज़ा, मून, ये सब चीज़ें जो आपके सराउंडिंग में है, ये सभी चीज़ें आपने देखी हुई है आपके सराउंडिंग में रहती है, तो वो सभी चीज़ें कैसे होती है, सर्कल होती है, इस तरह से गोल होती है व्हील की तरह। ये सभी चीज़ें आपको और भी कुछ नाम याद आते हैं वो भी नाम आप यहाँ पे नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखने के बाद वो सब नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, एक टायर, देन बॉल्स, सॉरी बॉल, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं बैंगल, रोटी। तो इस तरह से मैंने 4-5 लिखे हैं, आप इसमें और ज़्यादा लिख सकते हैं। राउंड बैंगल, राउंड बैंगल में बैंगल्स राउंड ही होती है, आपने देखी है, आप पहनते होंगे, गर्ल्स पहनती है, आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ की सिस्टर्स मम्मा बैंगल्स पहनती है, इसलिए बैंगल्स सबने देखी हुई है। हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप, आप कभी बैंगल शॉप में गए हैं? अगर यस तो आप लिखिए यस आई हैव गॉन टू द बैंगल शॉप, नहीं तो आई हैव नॉट गो टू द बैंगल शॉप। तो आप गए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यस आई हैव गॉन टू अ बैंगल शॉप। ओके, देन नेक्स्ट है आई कांट वियर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल। तो आप ये बैंगल्स कहती है कि ये बैंगल्स कितनी स्मॉल है, मैं ये बैंगल्स नहीं पहन सकती। गेस विच ऑफ दीज बैंगल्स इज ऑफ योर साइज, आप लोग गेस करिए इसमें से कोई बैंगल्स है जो आपके साइज़ की हो सकती है, तो आपके साइज़ की जो बैंगल उसकी उसको आप एरो करिए तो और लिख सकते हैं आपके। तो मुझे लगता है ये जो साइज़ है ये आपके बैंगल्स का साइज हो सकता है। देन टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ, कैन योर मैडम और मदर वियर दिस बैंगल। आपको एक वायर लेना है और उससे एक बैंगल बनानी है, तो आप और वो बैंगल बनानी है और आपको सोचना है कि सपोज आपकी मैडम या आपकी मैम और टीचर मदर है, कोई दोनों में से कोई भी है वो बैंगल्स पहन सकते हैं, तो आपको क्या लिखना है, आपको आपको वो बैंगल्स बनानी है, फिर लिखेंगे आप लोग आई मेड अ बैंगल
बाय रैपिंग इट अराउंड पाइप। आपने किस तरह से बनाई वो आपको लिखना है। जैसे पाइप में राउंड करके बनाई है तो आप लिख सकते हैं आई मेड अ बैंगल बाय रैपिंग इट अराउंड अ पाइप। फिर आपने वो बैंगल सीखना है कौन पहनेगा, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं आई शोड दिस टू टीचर, तो उसने पहनी, नो शी कैन नॉट वियर द बैंगल। देन अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल, वॉट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल। यहाँ पे है आपके सराउंड में, आपके अराउंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आप जिसको जिसके हेल्प से सर्कल ट्रेस कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस। आपके बाजू में बहुत सारी चीज़ें होगी, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस विच कैन बी यूज टू ट्रेस ट्रेस द सर्कल, सच एज कॉइन्स। कॉइन्स से भी आप सर्कल बना सकते हैं। देन लिखेंगे आप लोग बटन्स, यहाँ पे बटन से भी आप सर्कल बना सकते हैं। देन बाउल, देन डिश है, फिर आपको याद आता है वो उसके आप करो, फिर कप, देन ग्लास है उससे आप सर्कल बना सकते हैं, राउंड लीड, लीड जो होते हैं उससे, इस तरह से आप आपके सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हो जिससे आप सर्कल ट्रेस कर सकते हैं वो चीज़ों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दीज थिंग्स इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। विच थिंग्स मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल एंड विच थिंग मेक्स द बिगेस्ट सर्कल। आपके जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उसमें से आपको लिखना है कि जिससे सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल बनता है वैसे कोई थिंग का नाम लिखना है, और जिससे बड़ा सा सर्कल बनेगा उस थिंग का नाम लिखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल किससे बनेगा, बटन, बटन जो होती है उससे स्मॉलेस्ट सर्कल बनेगा, एंड डिश जो है उससे कौन सा सर्कल बनेगा, बिगेस्ट सर्कल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट सर्कल में लिखेंगे बटन एंड इसमें लिखेंगे डिश, डिश से है जो हम बिगेस्ट सर्कल बना सकते हैं। ओके, हमने सर्कल पढ़ रहे, बट सर्कल मतलब क्या है उसको हम पहले वी अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स। तो सर्कल इस तरह से होता है, इस जो जिससे मैं सर्कल बना रही हूँ, तो जिससे मैं सर्कल बनाऊंगी इसे बोलते हैं डिवाइडर। ओके, तो इस डिवाइडर को किस तरह से सर्कल बनाएंगे, मैंने यहाँ पे बनाया बट आपको एक बार बताती हूँ। तो जैसे ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट अरेंज कर लेना है, और फिर यहाँ से आप करेंगे तो ये पूरा सर्कल आपको इस तरह से आपको मिल जाएगा। ओके, इस तरह से करेंगे। हमने बीच वाला पॉइंट जो है उसको हटाया है क्या, नहीं हटाया, तो इस तरह से हमारा सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि इसके पॉइंट से जितना भी डिस्टेंस है ये यहाँ से कहीं से पे भी काउंट करेंगे ये लाइन तक, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सेम डिस्टेंस होगा। ओके, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर एट द सेम डिस्टेंस। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पे सेट करेंगे उनका डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे स्केल से, तो ये सब भी जो पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा सेंटर से वो होगा सेम। देन द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। जहाँ से हमने ये सर्कल बनाया इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। ओके, ये है हमारा सेंटर। देन अब ये हो गया सेंटर, ये हो गया हमारा सर्कल। अब यहाँ पे सर्कल में हमेशा रेडियस होती है, ये आप पढ़ेंगे अभी आगे। तो रेडियस किसको कहते हैं, देखिए हमने कहा था कि यहाँ से कहीं पे भी मेज़र करेंगे तो ये आपका डिस्टेंस सेम होगा, है 3। देन यहाँ पे करेंगे तो भी 3 है, यहाँ पे करेंगे तो भी 3 है, तो इस तरह से आपका सेम डिस्टेंस होगा। अब हम देखेंगे रेडियस। रेडियस किससे बोलते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल विद द पॉइंट ऑन द सर्कल। ये जो यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल और ये सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं उससे जो ज्वाइन करते हैं सेगमेंट उसे कहते हैं रेडियस। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक होगी रेडियस, ज़रूरी नहीं यहाँ से यहाँ तक ही रेडियस है, आप इसको भी रेडियस बोल सकते हैं,
ये जो है इसे भी रेडियस बोल सकते हैं, तो ये होती है रेडियस, ये है सेंटर, और ये जो है ये यहाँ से यहाँ बनाए, यहाँ से यहाँ बनाए, ये आपकी होगी रेडियस। देन नेक्स्ट जो पॉइंट होता है सर्कल में वो होता है एक डायमीटर। डायमीटर क्या है? लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग बोथ द एंड। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक एंड है और ए एक एंड है, ओके तो ये टू जो पॉइंट्स है उससे जॉइन होने वाला जो लाइन होती है, सेगमेंट होता है, वो कहाँ से पास होगी? यहाँ से पास होगी, पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसे कहते हैं डायमीटर। जैसे कि यहाँ से सेंटर से पास होके यहाँ आएगी, ये होती है डायमीटर। फिर यहाँ से ये जो लाइन है ये यहाँ से पास हो रही है सेंटर से, तो ये होगा इसका सर्कल का डायमीटर, इसको भी बोल सकते हैं डायमीटर, इसको भी बोल सकते हैं डायमीटर, ओके तो ये होता है सर्कल। यहाँ पे जहाँ से हमने डिस्टेंस किया है सर्कल का उसे बोलते हैं सेंटर, द सेट ऑफ द पॉइंट्स दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल, एंड द सेंटर ऑफ एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड देन रेडियस, व्हाट इज द रेडियस? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द सेंटर विद सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ द दैट सर्कल, यह पॉइंट होते हैं उससे सेंटर ऑफ द सर्कल से जो जॉइंट होता है उससे कहते हैं रेडियस। एंड डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट दैट पासिस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग बोथ द पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड द डायमीटर, ओके तो ये हो गया सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ कि द सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस। जैसे ए एक रेडियस हो गया, ये रेडियस, ये रेडियस, ये सभी रेडियस होते हैं, पॉइंट से जो आउटलाइन तक होते हैं जॉइनिंग वो होते हैं रेडियस। इसका मतलब हमारा वन पॉइंट क्या है, सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, जो इस रेडियस का जो मेजरमेंट है वो इक्वल होता है, द मेजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल द रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ये सभी इक्वल ही होती है क्योंकि हम सेंटर से सर्कल बनाते हैं तो इसका रेडियस इक्वल होगा। देन ये होगा सेकेंड पॉइंट कि द मेजर ऑफ द ऑल रेडियस इज ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देन थर्ड पॉइंट इज द सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर। सर्कल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर होती है। डायमीटर भी देखिए ये है, ये है, ये है, यहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी, यहाँ से, तो इनफाइनाइट हो गई। अब कितनी भी बहुत सारी डायमीटर होगी, एंड रेडियस जैसे सेम होती है इसका डायमीटर भी, ऑल डायमीटर्स आर इक्वल, ये होगा फोर पॉइंट, ऑल डायमीटर्स आर इक्वल। तो ये इस तरह से होता है सर्कल का डेफिनेशन। फिर हमने जिससे जिससे सर्कल बनाया उसे क्या कहते हैं, कंपास, डिवाइडर और कंपास कहते हैं इसे। फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं, जो यहाँ पे जो होता है होल, यहाँ से पेंसिल इसके अंदर फिक्स करते हैं, फिर इसको टाइट करेंगे और एक स्पेशल पॉइंट लेते हैं और वहाँ से हमें जितने मेजरमेंट का बनाना है सर्कल उतना इसको फिक्स करेंगे और इसको इस तरह से राउंड करके हम लोग सर्कल बनाते हैं, ओके इस तरह से इसका यूज़ करें। आपके कंपास बॉक्स में ये अवेलेबल होता है और इसी से आप सर्कल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है, वी विल मीट इन सेकेंड पार्ट।